वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं 53 संडेज इन अ लीप ईयर कैसे निकाल सकते हैं, या 53 मंडेज या 53 फ्राइडेज, कोई भी डे हो वो कितनी बार आता है पूरे साल में, हम वो आज निकालेंगे। और लीप ईयर का हो या ईयर का हो, एंड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बोनस क्वेश्चन होगा जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो CBSE ने बोला है, अपने सैम्पल पेपर्स में डाला है, तो ज़रूर देखें वीडियो एंड तक। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, 53 संडेज के ऊपर। संडे हो मंडे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, 53 संडे आता कितनी बार है हमें साल में वो जानने की ज़रूरत है, लेकिन एक दिन एक हफ्ते में कितनी बार आता है वो तो आप बता सकते हैं, एक बार आता है, दो हफ्ते में दो बार आता है, तीन हफ्ते में तीन बार आता है, मतलब एक वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हर डे एक ही बार आता है। तो हमें क्वेश्चन ये नहीं सोचना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डे पूरे साल में कितनी बार आता है, हमें ये सोचना चाहिए कि एक वीक पूरे साल में कितनी बार आता है, नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ डेज इन अ वीक हो गए 7 एंड नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हो गए 365। अभी के लिए ईयर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, लीप ईयर का बात करेंगे। तो हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं पूरे साल में। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 365 divided by 7 5 35 1 15 2 14 and 1। आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, लिखना पड़ेगा। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि 52 वीक्स होते ही होते हैं एंड वन डे, ये एक दिन बचता है। तो 52 वीक्स का मतलब क्या है, 52 वीक्स का मतलब है 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 सैटरडे तक। तो 52 सैटरडे संडे मंडे तो होंगे ही होंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी चलती है इस एक दिन पे। ये एक दिन कौन सा, 52 तो होंगे, ये तो फिक्स हो गया, ये एक दिन कौन सा होगा। अब एक दिन कौन सा हो सकता है, सैंपल स्पेस बनाए तो सैंपल स्पेस होगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे हो गया, तो कितने हो गए 7। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन तो बना लो कोई भी, 53 संडे तो 1/ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया 1/7, मंडे 1/7, ट्यूजडे 1/7। तो पेपर में एग्जाम में घबराना मत, अगर 53 फ्राइडे आ गया तो क्या होगा आंसर आपको पता है। तो इसके बाद मैंने आपको बोला था बोनस क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं, लीप ईयर की जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बोनस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोनस क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 मंडे, ये क्वेश्चन आता है आज की डेट में। 53 तो सबको पता है, ऑडिशन में उठाओगे वहाँ पर मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन 52 संडे। अब मैंने अभी अभी बात करी, 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, इट इज़ अ श्योर इवेंट, वो पक्का आएगा, कोई मैं का लाल नहीं रोक सकता उसको। तो 52 तो आएगा आएगा, जो चीज़ सर्टेन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। तो 52 संडेज की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 54 संडेज, 54। अब हमने देखा 52 तो आएगा ही आएगा, मतलब 52 टाइम संडे आएगा ही आएगा, तो जो एक दिन है, चलो सपोज करो वो भी आ गया, 53rd आ गया, 54th आ सकता है क्या, अगर यहाँ दो दिन बच जाए तो। अगर दूसरा दिन भी हो तो संडे के बाद अगला मंडे आएगा ना, तो इसका मतलब संडे भी 53 टाइम आएगा और मंडे भी 53 टाइम आएगा, संडे दो बार नहीं आ सकता, संडे हम उम्मीद करते हैं दो बार आए बट आ नहीं सकता, सॉरी। तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है,
गेटिंग अ 54 संडे इन अ ईयर इज इम्पॉसिबल. तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. चलो अब इतना कर लिया तो लीप ईयर का भी कर ही लेते हैं. ये उन लोगों के लिए बोनस जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी. बोनस तो असली ये है. तो अगर लीप ईयर हो तो नंबर ऑफ डेज इन लीप आपको पता है 7 है. नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366 हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ये आपको पता ही है. और आपको पता होगा कि 2020 भी आपका लीप ईयर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो देख सकते हैं ये साल लीप ईयर है तो लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन पक्की चांसेस हैं. देख लो पक्के चांसेस हैं लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, दो दिन बच जाएंगे. क्या हो गया, अब दो दिन बच गए लास्ट में. अब दो दिन बचने का सैंपल स्पेस कैसा होगा वो देख लो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब लाख करके दो दिन कैसे होंगे जरा सोचना. या तो संडे मंडे होगा, ओके, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, क्लियर. ट्यूसडे वेनेसडे भी हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, एंड सैटरडे संडे भी हो सकता है. संडे मंडे हम कर चुके हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा पेपर में. ध्यान से कितना सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7. अब क्वेश्चन क्या आता है, 53 संडेज इन अ लीप ईयर, 53 संडेज. अब यहाँ पे संडे कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है संडे और एक बार यहाँ आ रहा है, तो दो बार हो गया. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7. अब बोले कि 53 मंडे बताओ, तो एक ये तो अगेन 2/7. तो कहेगा 53 ट्यूसडे बता दो, तो तब भी 2/7. कहने का मतलब ये है, देखो अगर वन मार्क क्वेश्चन आया तो रट्टा मान लो. लीप ईयर हुआ 53 में 2/7, ईयर में हुआ 1/7, पर समझ में आ गया तो रट्टा मारने की जरूरत क्या है, समझ लो. एक आध बार प्रैक्टिस करो और फिर दोबारा वीडियो देखो, घुमा घुमा के वीडियो देखो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है. और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस की मदद करने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.